नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो आज आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा में आम आदमी में भारी उत्साह दिखा, जिसके चलते हरियाणा से राक्षस राज को उखाड़ कर फेंक देने की भी बात कही गई। क्योंकि जिस तरह युवाओं के दम पर दिल्ली में आप पार्टी ने सरकार बनाई, उसी तर्ज पर हरियाणा के युवाओं के दम पर प्रदेश में आप पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। यह बयान आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने फरीदाबाद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया। नवीन जयहिंद आज आप पार्टी के बड़कल विधानसभा अध्यक्ष धर्मवीर भडाना द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां हजारों की भीड़ देखकर वे गदगद हो उठे। नवीन जयहिंद ने कहा है कि हरियाणा में आप पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, जबकि बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। इस मौके पर नवीन जयहिंद का जोरदार स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों में 70% से ज्यादा युवा शामिल हुए। यही नहीं, हर वर्ग और जाति के लोग यहां दिखाई दिए। नवीन जयहिंद ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और दिल्ली सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़ आम आदमी पार्टी का उत्साह बयां कर रही है और जल्द ही हरियाणा में राक्षस राज को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। दशहरा पर्व पर फरीदाबाद में दो मंत्रियों के लड़ाई पर तंज कसते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि फरीदाबाद में जिस तरह से रावणों की लड़ाई हुई है, उससे साफ है कि ये लड़ाई पैसे वसूली के चक्कर में हुई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी यहाँ से हिस्सा जाता है, फिर भी उन्होंने फरीदाबाद के लिए कुछ नहीं किया। आज आप पार्टी को लेकर नौजवानों में खासकर जो उत्साह है, उससे साफ है कि आप पार्टी बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी और खट्टर साहब का खूंटा पाड़ देगी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जल्द ही राक्षस राज और इस राज के मुखिया खट्टर साहब को अब भगाने का समय आ गया है। जल्द ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लाठी ठोक कर बनेगी। आज हरियाणा में बीजेपी के अंदर चाचा भतीजा और मामा भांजे की सेटिंग चल रही है, तो वहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के मुकाबले कोई भी दल दिखाई नहीं देता। जिस तरह मोदी जी का रथ पूरे देश में घूमता है, उस रथ के पहियों को तोड़कर कश्मीरी गेट पर छोड़ रखा है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में आप पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ धर्मवीर भडाना जी का, कि जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। साथियों, वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी ने बड़े ही विस्तार से हमारी पार्टी के बारे में और जो यहाँ पर तो धर्मवीर भडाना दूसरी पार्टियां हैं, सरकार की लोकप्रियता का अंदाजा आपको हो गया होगा सर। ये तो आप सामने उनके जो क्या तो हम अपना कार्य है, कैसे क्रियाकलाप है, विस्तार से आपको सभी बताया है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है, आज की जो आपकी रैली हुई है, आम आदमी पार्टी का जन्म क्यों हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। रैली का रूप ले लिया था जी। साथियों, जब से देश आजाद हुआ है, 70 सालों में बहुत पार्टियां राजनीति करती रही, लेकिन 70 साल के बाद भी आज ऐसी स्थिति हमारे देश की क्यों है? टिकट तो हमारे विधायक भ्रष्टाचार की वजह से अध्यक्ष जो चाहेंगे जिसको देंगे वो सीट मिलेगी। हमारा देश आज बहुत पीछे है। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, पार्टी की नीतियों के तुलना में हमारे नेता बना रहे हैं। मुझे क्या, अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े एक अहदे पर थे, आप पार्टी के नेता पहलवान श्रीराम जी और धर्मवीर भडाना जी, अगर वो इनका कहना है कि आज की जो इन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, मगर कार्यकर्ता सम्मेलन में ही यहाँ पे रैली का रूप ले लिया, तो इससे गदगद है और उन्होंने महसूस किया राष्ट्र खबर से कि मुझे देश के लिए कुछ। धर्मवीर भडाना के नेतृत्व में हुई इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह आने वाले चुनाव को लेकर आप पार्टी तैयारी में है। दरअसल नवीन जयहिंद ने बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस पर खूब तीखे प्रहार किए।
और आने वाले चुनाव ही अब साबित करेंगे कि आखिर किसमें कितना है दम। डेस्क की रिपोर्ट। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।